Hi everyone, welcome to this channel. And one of the best hobby or habit you can say I have is reading books. And जब भी कोई नई बुक आती है, especially if it is in the self improvement productivity category, I get very excited. So you might have heard this new book by Dr. Ali Abdaal called Feel Good Productivity, and I was so excited. So I already pre-ordered at the end of the last year. और आई हैव एक्चुअली फिनिश द रीडिंग द बुक. तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक्सक्लूसिव बुक रिव्यू, और वो भी इंग्लिश में, ताकि आप भी सीख सकें और कैसे आप भी फील गुड प्रोडक्टिविटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई या नहीं अप्लाई कर सकें. इस वीडियो में मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ जो मैं जनरली ज़्यादा नहीं करता हूँ आजकल, एंड वो है मैं इस पूरी बुक को आपको एक माइंड मैप के थ्रू समझाने वाला हूँ, ताकि आपको ना सिर्फ ऑडियो बल्कि आपको विजुलाइज भी हो सके कि क्या है इस बुक के कॉन्सेप्ट और कैसे आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मेक श्योर कि आपके जो भी मेजर लर्निंग्स है उसको आप एज ए कॉमेंट जरूर डालें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is the mind map about the book review of Feel Good Productivity by Dr. Ali Abdaal. और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको पांच sections में divide कर रखा है. First one is about the introduction and what the book and what Dr. Ali Abdaal is. Then you have the main concept of productivity क्या है. Then we have the detailed book review, उसमें जो book के different parts हैं और उसके अंदर क्या चैप्टर्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. देन आई एम गोइंग टू गिव यू द फाइनल वर्डिक्ट, व्हाट डू आई थिंक अबाउट द बुक. एंड देन फाइनल क्वेश्चन इज, डू आई रिकमेंड दिस बुक और नॉट फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर अली अब्दाल. सो डॉक्टर अली अब्दाल, अगर इफ यू डू नॉट नो, डॉक्टर अली अब्दाल इज अ ग्रेजुएट डॉक्टर फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन द यूके, और ही ऑल्सो वॉज अ प्रैक्टिसनिंग डॉक्टर फॉर फ्यू ईयर्स. बट देन ही स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल वेन ही वॉज स्टडिंग मेडिकल. सो विद इन टू ईयर्स ऑफ वर्किंग इन एज अ डॉक्टर, ही अंडरस्टूड दैट ही वॉन्ट टू बिकम अ फुल टाइम यूट्यूबर एंड कॉन्टेंट क्रिएटर. सो राइट नाउ ही इज ऑलरेडी अ मिलियनेयर एंड इज अ डिजिटल नोमैड एंड इज अ फुल टाइम यूट्यूबर. इज गॉट आई डोंट नो मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर, मोर देन 2 or 3 million सब्सक्राइबर. And is also a productivity expert. He have learned from some of the best productivity experts in the world, and that is what his credibility is. Now let's talk about the Feel Good Productivity, the book. So agar aap dekhoge, it was one of the most awaited release book of the 2024 at the start of. So I had pre-ordered, and the book had got 296 पेजेस. तो टोटल 296 पेजेस हैं, जिसमें सो आपका मेन कंटेंट है वो है 260 पेजेस में. एंड बुक को अगर आप देखोगे तो अबाउट आफ्टर इंट्रोडक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विच इज व्हाट इज एनर्जाइज, व्हाट इज अनब्लॉक एंड व्हाट इज सस्टेन. सो और हर चैप्टर, हर पार्ट्स के अंदर फर्दर तीन चैप्टर्स हैं जो कि मैं डिटेल रिव्यू में बताने वाला हूँ. And when I started the book, what I was doing is I was reading one chapter a day, so that it is not too much on to take through. I know people जो कि एक बार में 6 घंटे में ख़त्म कर देते हैं. I am not one of those. I take my own time and I like to finish from cover to cover. So I'm not the person who just skims through, and I like to go in detail, and that's why I am able to make this video. So that's how much time it took. About 1.5 weeks, one chapter a day, and it was very easy for me to finish this book. Now let's talk about what is productivity. So I'm going to minimize all of this. Let's talk about the productivity. So यहाँ पे productivity के concept दिए हैं Dr. Ali Abdaal ने, जो कि बहुत ही I like that concept because very practical. So first of all he says that कि जब आप feel good करते हैं, then you generate energy. एंड जब आप एनर्जी जनरेट करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो आप और अच्छा फील करते हैं, एंड देन इट इज़ लाइक अ साइकिल. तो आप अच्छा फील करो तो उस एनर्जी जनरेट होगी, उस एनर्जी से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस प्रोडक्टिविटी से आप और अच्छा फील करोगे, और ये साइकिल चलता रहेगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फील गुड.
दूसरी एक चीज उन्होंने और बोले कि जब फील गुड आप करते हैं, जब आपको अच्छा फील होता है, देन देर आर थ्री मेन थिंग. वन इज कि आपकी एनर्जी जनरेट होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, बट ऑल्सो ये आपकी लाइफ को इनरिच करता है, आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है. सो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया विच रियली रेजोनेटेड विथ मी, इज सक्सेस डजंट लीड टू फीलिंग गुड, रादर फीलिंग गुड लीड्स टू सक्सेस. आई लव दैट डेफिनेशन बिकॉज दिस टेक्स अवे सो मच ऑफ प्रेशर जो हमारे ऊपर रहता है, हम खुद की हमें सक्सेसफुल होना है, हमें अच्छा करना है. नहीं, हमें अच्छा फील करना है. जब हम अच्छा फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होने लगेंगे. सो दैट इज द मेन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो डॉक्टर अली अब्दाल ने बताया. अब हम बात करते हैं तीन पार्ट्स की, जो बुक के तीन पार्ट्स हैं, जिसके अंदर अगेन तीन तीन सेक्शन हैं, वेर ही टॉक्स अबाउट कि आप कैसे जनरेट कर सकते हो एनर्जी, कैसे आप अपने अनब्लॉक कर सकते हो, क्या ब्लॉकर्स होते हैं और उसको आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, और दूसरा आप इसको लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन कर सकते हो. तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट विच इज़ टू एनर्जाइज. हाउ कैन यू एनर्जाइज योरसेल्फ? सो उसके अंदर अगेन तीन चैप्टर्स हैं, प्ले, पावर एंड पीपल. आई लव दैट ही इज़ यूजिंग द पावर ऑफ ट्राइड. हर चीज़ में उन्होंने तीन तीन कर रखा है, एंड इनफैक्ट हर चैप्टर के अंदर आप देखोगे तो तीन तीन कॉन्सेप्ट कर रखे हैं. तो अगर हम प्ले की बात करते हैं तो प्ले के अंदर इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि पहली बात, सीरियसनेस इज ओवर रेटेड. आई लव दैट. बींग माई सेल्फ अक्यूज ऑफ बींग टू सीरियस एट टाइम्स, आई फील एब्सोल्यूटली कि सीरियसनेस ओवर रेटेड. वी नीड टू बी सिंसियर. हमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमें सिंसियर होने की जरूरत है. और दूसरी चीज़ है कि वी नीड टू अप्रोच थिंग्स विद अ सेंस ऑफ एडवेंचर. हर चीज़ को आप सोचो कि क्या क्या करने वाले हैं, क्या मजा होने वाला है. एंड आई फील दैट इन माई डॉटर एंड लॉट ऑफ किड्स, कि हम हर चीज़ को एज एन एडवेंचर देखते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो एडवेंचर कहीं चला जाता है. एंड दूसरी, फाइंड द फन. आपने देखा बच्चे किसी भी बात पर हंसने लगते हैं, किसी भी बात पर इंजॉय करने लगते हैं, बट जब हम बड़े होते हैं तो हमारे हंसने के फन के डेफिनेशन चेंज होते हैं. तो इन अ वे आई थॉट अली अब्दाल इज ब्रिंगिंग अस बैक टू व्हेन वी वेयर किड्स. एंड द लास्ट थिंग इज लोअर द स्टेक्स. समटाइम हम अपने दिमाग में इतना चीज़ों को बढ़ा लेते हैं जितना कि होता भी नहीं है, एंड दैट मेक्स इट सो प्रॉब्लमेटिक. सो हर चीज़ को इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है. लोअर द स्टेक्स. फेलियर हैं, इट्स अ टेम्परेरी. जस्ट लाइक सक्सेस इज टेम्परेरी, फेलियर इज ऑल्सो टेम्परेरी. सो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट, प्ले. द सेकेंड पार्ट इन द एनर्जाइज सेकेंड चैप्टर इज पावर. एंड पावर के अंदर ही सेज दैट नो, बिगिन विद कॉन्फिडेंस. समटाइम्स वी फील लाइक कि अरे मुझे बहुत कुछ करना है. नहीं, जस्ट स्टार्ट. हैव इनर बिलीफ. नहीं, यू कैन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज लेवल अप योर स्किल्स. तो अपने आप को एनर्जी आपको बढ़ानी है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग. किसी आपसे, किसी मेंटर से सीखिए, किसी कोच से सीखिए, किसी ऐसे पर्सन से सीखिए जो आपसे दो तीन स्टेप आगे हो. यू विल रियली स्टार्ट फीलिंग पावर. एंड द थर्ड थिंग इज टेक ओनरशिप. एंड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इफ़ यू कॉन्ट कंट्रोल वॉट, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ. विच मीन्स दैट कि हो सकता है आपको एक ऐसा काम दिया जाए जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जो कि आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट उस काम के करने के तरीके को आप हमेशा बदल सकते हो. सो दैट इज़ वॉट ही मीन्स बाई टेकिंग ओनरशिप. उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है पार्ट वन में, वो है अबाउट पीपल. एंड दिस इज सो पावरफुल. राइट, समटाइम हम क्या होता है, लोगों को एज अ कॉम्पिटिशन देखते हैं. एंड आई लव दैट कोट जो मेरे मेंटर ने कहा था कि पीपल एट द टॉप लेवल आर नॉट कॉम्पीटिंग, दे आर रादर कोलैबोरेटिंग. सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट ऑल्सो पीपल एज कॉमरेड्स, जो आपके टीम मेट हैं, आपके साथी हैं. जैसे आर्मी में कॉमरेड्स होते हैं, वैसे ही इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दैम एज कॉम्पिटिशन, उससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी. एंड सेकेंड इज बिल्ड कनेक्शन विद पीपल. समटाइम हम लोग ना तो हेल्प देते हैं और ना तो हेल्प लेते हैं. हेल्प देने को हम सभी का मन करता भी है, तब भी हम नहीं देते हैं. और कई बार तो वी कैन टेक लॉट ऑफ हेल्प, बट हमारे अंदर के जो वो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं वो हमें हेल्प लेने नहीं देते हैं. तो प्लीज़ बिल्ड कनेक्शन विथ पीपल सो दैट यू कैन गिव हेल्प एंड ऑल्सो टेक हेल्प. एंड द थर्ड थिंग जो कि बहुत बहुत रिलेवेंट है इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड दैट इज ओवर कम्युनिकेट. देर इज नथिंग कॉल्ड ओवर कम्युनिकेशन. सो आपको जब लगता है कि आपने बहुत कुछ बोल दिया है, एक्चुअली आपने जस्ट इनफ या उससे कम ही बोला होता है. तो ऑलवेज मेक श्योर यू आर कम्युनिकेटिंग योर डिजायर्स, योर
your life experiences, your expectation, your wins, your failures, that really helps to connect with people. तो ये हमारे तीन चैप्टर थे जो कि डॉक्टर अली अब्दाल ने इनर्जाइज पार्ट में बताए. नाउ वंस यू कंप्लीट दिस, द सेकेंड थिंग इज कि जब आप इस प्रोडक्टिविटी के जर्नी पे आगे बढ़ते हो, देर आर लॉट ऑफ ब्लॉकर्स दैट कम इन टू योर जर्नी एंड दिस इज वेयर यू कैन यूज द अनब्लॉकर्स. हाउ कैन यू यूज दैट? सो द थ्री थिंग्स आर सीकिंग क्लैरिटी, फाइंडिंग करेज एंड गेटिंग स्टार्टेड. ये तीनों के एक एक चैप्टर हैं. तो सीकिंग क्लैरिटी की अगर आप बात करते हैं तो पहली चीज़ है कि नो कि आप क्यों कर रहे हैं कुछ भी. वॉट एवर यूर डूइंग, फाइंड द नो, फाइंड द वाई अबाउट दिस. वाई आर यू डूइंग समथिंग? वेन यू नो दैट देन यू कैन मूव ऑन टू वॉट. एंड ही सेज दैट, आपने सुना भी होगा स्मार्ट गोल्स, एंड ही सेज दैट स्मार्ट गोल्स आर गुड, बट अगर आपको और आगे क्लैरिटी चाहिए देन यू यूज समथिंग कॉल्ड नाइस गोल्स, विच इज नियर टर्म, इनपुट बेस्ड, कंट्रोलेबल एंड एनर्जाइजिंग. जब ये चारों क्राइटेरिया आप यूज करके गोल्स बनाते हैं, इट बिकम्स मोर अनब्लॉकिंग एंड इट बिकम्स मोर एम्पावरिंग एज वेल. एंड थर्ड थिंग इज वेन, इफ यू डोंट नो वेन यू आर डूइंग समथिंग, चांसेस आर यू आर नॉट डूइंग दैट. एंड आई ट्रूली लव दैट बिकॉज आई एम वन ऑफ द पर्सन हु लव्स टू पुट थिंग्स ऑन कैलेंडर, हु लव्स टू पुट थिंग्स ऑन ऑटो मोड. सो अगर आपको कुछ करना है, बड़ा करना है, यू हैव टू शेड्यूल टाइम. इवन दिस वीडियो आई हैव टू शेड्यूल अ टाइम इन माई कैलेंडर सो दैट आई कैन रिकॉर्ड दिस वीडियो. एंड सेकेंड थिंग इज डेली हैबिट्स. आई मेनी टाइम टॉक्ड अबाउट हैबिट ट्रैकर, हैबिट ट्रैकिंग. जब आप रोज ट्रैक करते हो अपनी हैबिट, इवन दो यू आर नॉट डूइंग 100%, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर एंड एनर्जी. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट इन सीकिंग क्लैरिटी. देन कम्स, एंड आई एम गोइंग टू मिनिमाइज ऑल ऑफ दिस, एंड प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका अच्छा लगा क्या. जब मैं सिर्फ खुद नहीं बोल रहा हूँ, आई एम ऑल्सो यूजिंग लॉट ऑफ माइंड मैप टू हेल्प यू. नाउ सेकेंड इज कि करेज, फाइंड द करेज इफ यू वॉन्ट टू अनब्लॉक योर सेल्फ एंड बिकम प्रोडक्टिव. एंड उसके लिए उन्होंने तीन सोर्सेज बताए हैं. नंबर वन इज अंडरस्टैंडिंग योर फियर, कि आपका फियर क्यों हो रहा है. वाट आई एम आई रियली अफ्रेड ऑफ, वॉट इज इट दैट इज स्टॉपिंग मी टू डूइंग समथिंग. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन इज रिड्यूस योर फियर. And he gives a very good principle called 10-10-10, which is whatever you're doing, will that matter in 10 minutes? Agar aapko koi problem aa gayi, rejection aa gaya, disappointment ho gaya, will that matter in 10 minutes? Ye aapko 10 week mein yani 10 weeks mein matter karega kya? And will it matter in 10 years? Jab aap is tarah ki clarity laate ho, it makes you such a powerful person to work. And the third one is overcome your fear. हमारे पास क्या है कि we all go through this syndrome or effect called spotlight effect. हमें लगता है कि पूरी दुनिया का focus हमारे ऊपर है, but हम सब भूल जाते हैं कि सबको यही लगता है. But in the end, everybody is worried about them. Everybody is worried about their fears, their success, their dreams, their desires. So sometimes knowing that कि we are not the only one struggling or suffering, it takes the power away from our fear. So don't give yourself too much of attention. This is the main message out of this. The third thing that I understood is just get started. Now sometimes we want to do something but we are not doing anything. Aur uske liye Ali Abdal recommends the three things. Number one is look for friction. Aisa kya hai jo aapko rok raha hai? Are you overtired? Are you not clear? What is it that is stopping you, that is having friction, and work towards that. Number two is do something. Jaise bola tha ki define your next step, track your progress, do something. Even if you can't run, just walk. If you can't walk, just crawl, but do something to make progress. And third thing is create systems to support long term. Right, so celebrate wins, cut yourself some slack, कई बार unplanned plant break लो आप. It is very very important and I truly agree that you have to celebrate छोटी छोटी जीत जो आपकी हो रही है, because that leads to bigger wins. So that was the third part of the unblock. I hope you are enjoying this. Let's move on to the third one, which is sustain. How do you make sure that you are sustaining it over long term. कैसे आप इसको लगातार बहुत दिन तक कर सकते हैं. उसके अंदर भी अगेन थ्री चैप्टर्स हैं. नंबर वन इज कंजर्व, नंबर टू इज रिचार्ज, एंड नंबर थ्री इज अलाइन. सो कंजर्व के अंदर ही सेज अबाउट
three concepts again: stop over committing, guilty, I keep committing too much to too many people, which is not a good sign. And this is what the major takeaway from me is: I have to limit my commitment. I have to make sure that I'm doing things that are energizing me, that are giving me clarity, versus just committing to everything. Number two is resist distraction. हमारे पास बहुत सारे distraction हैं, social media apps हैं, ये हैं, वो हैं. We can remove those to resist the distraction. And number three, which is my goal in 2024 sometime, that find moments to do nothing, not even checking your phone, just sit down, relax, bask in the glory of the sun, do nothing, just enjoy. That can really recharge and conserve our energy to sustain for the long term. Second cheez jo batate hain, that is to recharge. And he again has a formula called CALM, which is competent, autonomous, liberated and mellow. Is framework ko use karke you can always recharge. Once again, he talks a lot about spending time in and with nature, which is that if you can go to a place which is full of nature, mountains pe, beaches pe, go. But even if you can't go there, just putting some green pictures or small plants in your room have scientifically proved that it increases your energy. So find out ways where you can spend time in and with nature. And third thing is do nothing at all. Very difficult. I'm going to definitely try in this year, but just write down if you also want to do nothing at all this year for some time. And the third and the final chapter he talks about, which I think is one of the most important chapter of the book, that is about aligning your long-term future, medium-term future and short-term future. So he says that imagine the deathbed scenario, imagine you are at the end of your life. How do you want your life to be? And jab aap aise imagine karke aap koi decision lete hain, it helps you. And it was reminding me of Amazon ka jo founder hai, Jeff Bezos, and unhone bhi kaha hai ki I use this principle of deathbed investing, where I am at the end of my life or I am 80 years, 90 years old, and then I think about ki kya decision mujhe lene hai. So think about from that perspective, long term future. Then medium term is about 12 months or year, usme aap kya celebrate karna chahte ho. And then short term is all about today, aaj aap aisa kya karna chahte ho jisse aapko ek purpose mile, ek achievement mehsoos ho. So those were the three things. I love that everywhere he is using the principle of three, whether there are three parts and every part has three chapter and every chapter has three major concept to work upon. Ab aage badhte hain final verdict ki taraf. So my final verdict is this book is full of practical tips, and as Ali says, this book is not to offer a new to-do list, but it's offer a new philosophy or way of looking into life, which I truly adore him for that. And dusri cheez hai, he says ki ek productivity scientist ban jao. Jaise ki scientist experiment karta hai, jo acha lagta hai usko karta hai, jo nahi sahi chal raha hai usko band kar deta hai. Become your own productivity scientist and expert and do what works for you. This book is in a very simple language, which has got loads of stories jo main aaj cover nahi kar paya is review mein, and lot of anecdotes and lot of incident which are amusing and inspirational. So I am very, very happy that I got this book. So my final recommendation is, it is 100% recommend that I 100% recommend that you get the book, whether it's the paperback version like myself. I know there is a 6 hours long audiobook, or you can try Kindle, whatever works for you. But if you have to read a book, it is probably one of the good books to read. So that was all. Do let me know if you like this book review. एंड आप चाहते हैं कि मैं 2024 में कुछ और बुक रिव्यूज़ करूं, प्लीज़ लेट मी नो द बुक्स दैट यू वांट मी टू रिव्यू. थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड.